वी आर रीडिंग लेसन 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चंस। ओके, गिवन इन पेज नंबर 175 एंड 177। सो लेट्स स्टार्ट। टेल, आर रोटीज मेड इन योर होम? फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड? क्या आपके घर में रोटी बनती हैं, और अगर बनती हैं तो किस ग्रेन का या अनाज का यूज किया जाता है रोटी बनाने के लिए? तो यस, रोटीज आर मेड इन माय हाउस। दे आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड समटाइम फ्रॉम राइस और कॉर्न। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार? डिड यू लाइक दिस? So yes, I have eaten roti made from bajra and corn. They were very tasty. Okay, now next, find out and write. Here some more questions are given. First question, in your house, what is done to protect grains and pulses from insects? आपके घर में ग्रेन्स मीन्स अनाज और दालों को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या किया जाता है इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए? सो इन माय हाउस द ग्रेन्स एंड पल्सेस आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसे कंटेनर में उसको रखा जाता है जहां अंदर एयर ना जाए। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स? फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फार्मिंग से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो हेयर द आंसर इज The different festival related to farming that are celebrated in the different season are Basant Panchami, Holi, Lohri, Baisakhi, etc. It is celebrated mainly in Punjab, Haryana, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh. The special food is prepared such as yellow rice, kheer, sweet rotis, etc. on this. फैमिलीज। इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इज इट सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाट स्पेशल फूड्स आर मेड इन फेस्टिवल्स में कौन से स्पेशल फूड बनाए जाते हैं? इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली? क्या ये सिर्फ फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर मनाया जाता है? तो वही यहाँ स्पेशल फूड बताया गया है कि येलो राइस, खीर, स्वीट रोटीज, ये सब बनाया जाता है ना, ये स्पेशल फूड है और फैमिलीज के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। तो आफ्टर टॉकिंग टू द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली आई फाउंड दैट देयर वर नो स्पेशल फूड आइटम्स which were made earlier and are not made anymore. ठीक है, कुछ स्पेशल फूड्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो पहले कुक किए जाते रहे होंगे, बनाए जाते रहे होंगे और अब नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया ऑफ दोस। Is there anything that is famous across the country? So the crops grown commonly in our area are wheat, corn, rice. Out of these, wheat and rice is well known everywhere. Now here you see, can you recognize these grains? क्या बता सकते हैं ये कौन कौन से grains हैं? ये तो देखें, ये corn लग रहा है, मक्का है ना, ये क्या है, मस्टर्ड, ये क्या है, सॉरी दिस इज बाजरा एंड दिस इज मस्टर्ड। ओके, नाउ इन पेज नंबर 177, सी द बाजरा सीड सॉ डिफरेंस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इरीगेशन, प्लगिंग, एक्सेट्रा। वॉट वर दीज डिफरेंसेस?
डिफरेंसेस बाजरा सीड ने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे दामजी भाई के टाइम की फार्मिंग और हसमुख के टाइम की फार्मिंग मतलब खेती में, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस हमें यहाँ पर बताने हैं। तो कुछ डिफरेंसेस देखें, दामजी भाई डिड फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। दामजी भाई फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ही यूज्ड बुलॉक टू प्लग द फील्ड। बैलों का यूज करते थे वो खेत जोतने के लिए। ही स्टोर्ड ग्रेन्स टू बी यूज एज सीड्स। वो ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे बीज के रूप में। एंड हसमुख यूजिंग न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। ही यूज ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड। वो ट्रैक्टर का यूज करता था फील्ड को प्लग करने के लिए। ही स्टॉप्ड ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच डिड नॉट फैच गुड प्राइस इन मार्केट। उसने उन क्रॉप्स को ग्रो करना बंद कर दिया था या बोना बंद कर दिया था, उगाना बंद कर दिया था, जिससे अच्छा दाम उसे नहीं मिलता था। ही डिड नॉट स्टोर ग्रेन्स टू बी यूज्ड एज अ सीड्स। वो ग्रेन्स भी स्टोर नहीं करता था। सेकंड क्वेश्चन, हसमुख सेड विथ प्रॉफिट फ्रॉम अवर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? हसमुख का कहता था वो कि फील्ड से जो प्रॉफिट होता है वो उससे हम प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, ठीक है। तो आप प्रोग्रेस से क्या समझते हैं? सो प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफ स्टाइल। पीपल गेट बेटर स्कूलिंग। हाउसेज हैव ऑल मॉडर्न गैजेट्स। दे गेट मोर न्यूट्रियस फूड टू ईट। पीपल मे बाय अ व्हीकल टू पर्सनल ट्रांसपोर्ट। प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा फ्यूचर, है ना। अच्छे स्कूल में लोग जा सकते हैं, उनके घर अच्छे हो सकते हैं, हाउसेस जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। उनके हाउसेस में मॉडर्न गैजेट्स जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस, है ना, बहुत सारी चीजें जो मॉडर्न है वो सारी चीजें हो सकती हैं। न्यूट्रियस फूड मिल सकता है उनको, अच्छा खाना, है ना, खाने के लिए, और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? आप अपने एरिया में किस प्रकार का प्रोग्रेस देखना चाहेंगे? सो आई वुड लाइक टू सी फॉलोइंग प्रोग्रेस इन माई एरिया। फर्स्ट, बेटर रोड, अच्छी रोड होनी चाहिए। सेकेंड, ऑल अराउंड क्लीनलीनेस विथ नो ओवरफ्लोइंग ड्रेन। चारों तरफ हम सफाई चाहेंगे जिसमें ड्रेन, नालियों का पानी ऊपर ना आता हो, नालियों का पानी रोड में ना बहता हो। अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड अ बिग पार्क एंड प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन कैन प्ले एंड अदर कैन डू सम रिक्रिएशन। एक अच्छा सा पार्क हो, प्ले ग्राउंड हो जहां बच्चे खेल सकें और लोग अपनी थकान मिटा सकें वहां, ठीक है, रिक्रिएशन एंजॉय कर सकें। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने पेज नंबर 175 के आंसर्स अपलोड किए थे और इस वीडियो की डॉक्यूमेंट्री में मैं पेज नंबर 177 के आंसर अपलोड कर दूंगी। तो वो आप लोग देखकर अपनी पेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।